हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं डब्ल्यू बी ईड्स जो कि एक आयरिश पोएट थे उनकी एक बहुत ही बेहतरीन पोएट्री नो सेकेंड रॉय तो जानते हैं इस पोएट्री के बारे में एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल तो डब्ल्यू बी ईड्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा सबसे पहले डब्ल्यू बी ईट्स विल गो डाउन इन हिस्ट्री आज द ग्रेटेस्ट आयरिश राइटर एवर एंड ही वॉज मोर देन अ पोएट ही रोट प्लेस एज वेल एज वॉज वन ऑफ द थियेटर मैनेजर ऑफ एबी थियेटर ऑल्सो ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हु फाउंडेड दिस थियेटर तो डब्ल्यू बी इट्स फाउंडेड दिस थियेटर अलॉन्ग विद लेडी ग्रैगरी ये फैक्ट आप याद रखियेगा एंड अदर देन बींग जस्ट अ राइटर जस्ट अ प्ले राइट Uh, उनको याद रखा जाता है उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए भी उनके लेक्चर्स के लिए भी और उनकी सभी ग्रेटेस्ट पोइट्रीज के लिए भी जो कि न्यूमरस वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई हैं आज तक आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं डब्ल्यू बी हीट्स के बारे में डब्ल्यू बी हीट्स इनको अपॉइंट किया गया था एज दी फर्स्ट सीनेट ऑफ आयरलैंड uh, इन 1921। ट्वेंटी वन ही वॉज बॉर्न इन डब्लिन डब्लिन जो कि आजकल कैपिटल है आयरलैंड की 1865 में ही वॉज बॉर्न एंड उनकी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी द व्डरिंग ऑफ ओइसिन 1889 में इस पोइट्री के बाद से ही ऐसा पता चल गया था कि अब एक ओरिजिनल uh, पोइट का बर्थ हो चुका है आयरलैंड में तो आयरलैंड को एक बहुत ही अच्छा पोएट मिल गया था आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ दिस पोइट्री उनका टैलेंट काफी हद तक रिवील हो गया था इन आयरलैंड तो डब्ल्यू बी एड्स की बात की जाए और मॉडकॉर्न की बात ना की जाए तो थोड़ा सा अधूरा लगता है आइए जानते हैं हु दिस लेडी इज एंड वाई इज शी सो इम्पोर्टेंट सो य स्मिथ दिस लेडी मॉट गॉन द ब्यूटिफुल लेडी जो कि एक एक्टर भी थी एटीन एटी नाइन में ये इनसे मिले थे एंड फ्राम हेड ओवर हील्स ही फेल इन लव विथ हर बुरी तरीके से उनके प्यार में पड़ गए थे एंड मेनी अ टाइम्स ही प्रपोज हर थ्रू आउट हिज लाइफ बट हिज लव रिमेन अनरिक्वेटेड अधूरा प्यार ही रहा मॉडकॉन एक बहुत ही फायरी नेशनलिस्ट भी थी एंड शी प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एज ए मॉडकॉन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है डब्ल्यू बी एच की लाइफ में उनकी पोएट्रीज में काफी हद तक रिफ्लेक्ट होता है हर पोएट्री में और हम जो आज पोएट्री करने वाले नो सेकेंड रॉय उसमें भी काफी अच्छा इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है मॉडगॉन की वजह से तो जानते हैं डब्ल्यू बी के कुछ और वर्क के बारे में नोबेल प्राइज इनको मिला था नाइनटीन में आपके लिए एक अच्छा फैक्ट है ये जानने के लिए और नोबेल uh, प्राइज मिलने के बाद इनकी काफ़ी पोयट्रीज पब्लिश हुई थी uh, एक कलेक्शन था 1928 का द टॉर और द टॉर के अंदर जितनी भी पोएट्रीज पब्लिश हुई थी वो काफी फेमस रही हैं सेलिंग टू बजेंटियम अमंग स्कूल चिल्ड्रन लेडा एंड दिस वन एंड द टाइटल पोएट्री द टॉर इट तो काफी कलेक्शन पब्लिश हुए हैं डब्ल्यू बी ईट्स के जिन्होंने जिन कलेक्शंस ने डब्ल्यू बी ईड्स को एक बहुत ही अच्छे पोएट की तरह इस्टेब्लिश किया है इन दी लिटरेचर वर्ल्ड आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं नो सेकेंड ट्रॉय के बारे में नो सेकेंड रॉय में क्या था तो सबसे पहले जरूरी है कि आप ट्रॉय के बारे में जानें ट्रॉय इज अबाउट अ ब्यूटिफुल क्वीन हेलेन हेलेन जिनको एबडक्ट कर लिया था उनके लवर ने जिसका नाम था पेरिस और जब लवर उनको एबडक्ट करके ट्रॉय ले गए अपनी सिटी अपनी कंट्री ले गए तो हेलेन के हस्बैंड को ऑब्वियसली बहुत परेशानी हुई एंड ही वेजेड अ वॉर अगेंस्ट ट्रॉय और 9 साल तक वो वॉर चली थी जिसमें बहुत ही हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ था एंड इन दी एंड ट्रॉय गॉट बर्न तो पूरी सिटी बर्न हो गई थी और पूरी सिटी का डिस्ट्रक्शन हो गया था बेसिकली और यही हमारी पोइट्री का टाइटल है नो सेकेंड ट्रॉय तो शायद किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन होने वाला है एंड डब्ल्यू बीट्स डज नॉट वॉन्ट कि आयरलैंड किसी दूसरे ट्रॉय में तब्दील हो तो अब जानते हैं इस पोएट्री के बारे में इट वॉज पब्लिश इन 1910 और जिस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी उसका नाम था द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएट्रीज और इसका सब्जेक्ट तो वही है मैंने बताया अधूरा प्यार द अन लव ऑफ द पोएट फॉर मॉडकॉन मॉडकॉन ने किसी और से शादी की थी जिनका नाम था जॉन मैकब्राइड और जॉन मैकब्राइड की जब डेथ हो गई थी 1916 में तब फिर से यीट्स ने प्रपोज किया मॉडकॉन को बट शी अगेन रिजेक्टेड तो यीट्स अगेन प्रपोज हर बट कॉर्ट रिजेक्ट स्ट और कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन उनकी हर पोएट्री में थोड़ा बहुत झलक ही जाता है तो अब बात करते हैं इस पोएट्री की नो सेकेंड रॉय नो सेकेंड रॉय एस आई टोल्ड यू रिफ्लेक्ट हिस्स लव अनरिक्वेटेड लव आई मस से और इन फैचुएशन फॉर गॉन मॉडगोन मॉड गॉन इज कम्पेयर विद हेलन ऑफ ट्रॉय जिस तरीके से हेलन ऑफ ट्रॉए की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था शायद मॉडगॉन भी किसी ना किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन करवाकर ही रहेंगी दैट इज वर्थ दी जिस्ट ऑफ दिस पोएट्री इज बेसिकली ओके अब पढ़ते हैं इस पोएट्री की शुरुआत की कुछ लाइन्स शुरुआत की अराउंड फाइव लाइन्स दी है मैंने और यहां पर शुरुआत होती है रिटोिकल क्वेश्चन से शुरुआत ही एक क्वेश्चन से होती है और रिटोरिकल क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जो आ, स्पीकर पूछ तो लेता है लेकिन उनका वो जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता तो मैं इस रिटोरिकल क्वेश्चन को ही पढ़ रही हूँ वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोर इन मैन मोस्ट वॉलेंट वेज और हर द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन दी ग्रेट हैड दे बट करेज इक्वल टू डिजायर तो पोएट हमारे बहुत ही वरिड हैं कि मॉट गॉन ने उनका खुद का लव तो रिजेक्ट कर ही दिया उनकी लाइफ को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया अब वो लगी हैं आयरलैंड के इनोसेंट लोगों को वायलेंट वे सिखाने में उनको ऐसी स्पीच डिलीवर की जा रही है कि वो उठें और ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करें जो कि वायलेंस में कन्वर्ट होकर ही रहेगा पोएट स्टेट्स दैट ही शुड नॉट ब्लेम हर फॉर टीचिंग द आयरिश पीपल द हेटेड मेथड्स टू अटेन फ्रीडम तो पोएट कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये तो ब्यूटी है एक और ब्यूटी का तो काम ही होता है डिस्ट्रक्शन करना तो मैं इसको ब्लेम नहीं कर रहा दैट इज अ नेचर लॉ की ब्यूटी जहां पर भी होती है किसी न किसी तरीके

प्रपोजल्स रिजेक्शन एज वेल तो दो कड़वाहट दो बिटरनेस हैं एट प्रेजेंट उनके मन में एक तो ही सीम्स टू बी क्वाइट अगेंस्ट दी एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड ही इज ऑब्वियसली ऑफेंसिव एट पर्सनल एंड एज वेल बिकॉज हिज लव हैज बीन रिजेक्टेड तो अब देखते हैं आगे हमारी ये ब्यूटीफुल पोएट्री क्या कहती है uh, इस पोएट्री की फर्दर लाइंस भी हमें इसी तरफ ही इशारा करती हैं एक और रिटोरिकल क्वेश्चन पूछती हैं वट पीसफुल विद अ माइंड दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर विद ब्यूटी लाइक अ टाइटन बो अ काइंड दैट इज नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस बींग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न तो अब हमारे पोएट को डब्ल्यू बी ईट्स को ऐसा लग रहा है कि ये तो इतनी नॉबल इतनी ट्रैंक्ल इतनी पीसफुल लगती है अगर कोई इसको देखे तो कोई कह नहीं सकता कि शी इज वन जो कि वॉलेंट वे सिखा रही होगी लोगों को तो पोएट बहुत ही वरिड है ये देख कर की अ लेडी विद सच अ ग्रेट बैकग्राउंड ग्राउंड नॉबल ट्रेंकुअल एजुकेटेड विथ एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स एंड ब्यूटी एज मॉडॉन कूड फाइंड पीस इन वॉलेंट वेज तो इस तरीके की लेडी वॉयलेंट वेज को कैसे पीसफुल मान सकती है वॉयेंट वेज किसी भी तरीके से हो रिवेंज किसी भी तरीके से हो किसी के भी अगेंस्ट कोई भी रिवॉल्ट हो एंड तो वो वॉयेंस में और ब्लड शेड्स में ही होगा दिस इज वॉट डबू बी यूट थिंग्स अबाउट मॉडगॉन एंड वॉयेंट वेज उनको ऐसा लगता है कि ये जो इतनी नॉवल है जो इतनी सिंपल दिखती है वो इतनी स्टर्न कैसे हो सकती है अपने बिहेवियर में इतनी रिजिट कैसे हो सकती है तो it does not seem natural to eat at all why a high status person like her why a peaceful person why a noble person why a tranquil person like her is so stern so rigid in her ways itni rigid kyun hai na to mera proposal accept karti hai kabhi bhi aur dusra logon ko violent ways sikha rahi hai to shayad दो बिटरनेस हैं इनके mind में जो कि parallelly चल रही हैं पूरी story में तो आइए देखते हैं last की lines क्या कहती हैं वाई वट कुन बींग व्हाट शी इज वॉज देयर अनदर ट्रॉय टू बर्न तो अब बिल्कुल डायरेक्ट कंपेरिजन हो गया है ट्रॉय के साथ और हेलैंड के साथ हमारी मॉडकॉन का तो लास्ट टू लाइन्स है ये लास्ट टू लाइन्स में वो कहते हैं कि जिस तरीके से ट्रॉय बर्न हो गया उसी तरीके से कहीं आय ना बर्न हो जाए हमारा व्हाट कुड शी हैव हाँ डन बींग व्हाट शी इज वॉज देयर अनादर ट्रॉय टू बर्न इन लाइन्स को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए सो इन दिसंस कंसिडरिंग दर्ड एंड फोर्थ रिटोरिकल क्वेश्चन तो इस पूरी पोएट्री को अगर आप एक साथ देखेंगे तो ये थर्ड और फोर्थ रिटोरिकल क्वेश्चन भी है द पोएट मेक्स वेरी क्लियर वेरी एक्सप्लिसन ऑफ ट्रॉय बट रिग्रेट्स मेटाफॉरिकली दैट आयरलैंड वॉज नो ट्रॉय टू बर्न फॉर गॉन तो कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट भी शो करते हैं कि भैया आयरलैंड को आयरलैंड ही रहने दो आयरलैंड को ट्रॉय मत बनाओ ट्रॉय हैड हेलन फॉर ट्रॉय शुड नॉट बी डन बाय गॉन फॉर आयरलैंड ही इज अफ्रेड आयरलैंड आयलैंड नॉट बी अनदर ट्रॉय एंड गेट बर्न्स बिकॉज ऑफ अनदर हेलन इन फॉर्म ऑफ मॉड तो मॉडगॉन को वो पूरी तरीके से हेलन के रूप में देख रहे हैं इस बार और आयरलैंड uh, को पूरी तरीके से ट्रॉय की तरह देख रहे हैं और उस पूरी स्टोरी को इलियड की पूरी स्टोरी को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से हेलेन की वजह से एक ब्यूटी की वजह से एक डिस्ट्रक्शन हुआ था और आज भी हमारा आयरलैंड उसी ब्यूटी की वजह से एक डिस्ट्रक्शन की राह पर चल रहा है तो अब समझते हैं कि इस पोएट्री में बेसिकली थीम क्या रही क्या पोएट हमारा कहना चाह रहा है सो व्हाट मेक्स द पोम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम It is how the poet gives a description of how beauty can cause. डिस्ट्रक्शन ये तो शायद पूरे वर्ल्ड की एक बहुत फेमस थाट है कि ब्यूटीज किसी न किसी तरीके की डिस्ट्रक्शन करती हैं हाउ एवर हर एक अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं लेकिन एक जनरल थाट काफी हद तक एक सीरियोटिपिकल थाट है ये लोगों की मोस्ट पावरफुल पोम्स रिटर्न बाई यीट्स अबाउट मॉडगॉन तो जितनी भी पावरफुल पोएट्रीज लिखी है ईट्स ने उनमें से मोस्टली कहीं ना कहीं मॉडगोन और उसके इंस्पिरेशन को उसके आ, हीट्स के रिजेक्शन को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं और टाइटल की तरफ देखिए नो सेकंड ट्रॉय प्लीज इसको सेकंड ट्रॉय मत बनाइए मे बी ऐसा लगता है ऐसी एक रिक्वेस्ट हो रही है द टाइटल इक्वेट सर विद हेलेन हर से हमारा मतलब यहाँ मॉड कौन से है सॉरी हेलन द डिस्ट्रक्टिव ग्रेट ब्यूटी सो द टाइटल मेक्स इट क्लियर दैट ही इक्वेट सर विद हेलेन एंड ही डज नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर दिस

सो वी हैव रीच टू दी एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक और ग्रेट पोलट्री डब्ल्यू बीस की द सेकेंड कमिंग इस दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम्स और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं